दोस्तों नमस्कार, इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। परीक्षा परिणाम बिगड़ने की आशंका से सरकार चिंतित, शिक्षकों के थोकबंद तबादले करने से बिगड़े हालात, रिजल्ट बिगड़ा तो शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, क्या है पूरी खबर हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले साल स्कूलों में शिक्षकों के थोक में तबादले किए गए, इससे ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पड़ गई, क्योंकि अधिकांश शिक्षक गाँव से शहर आ गए। अब सरकार को परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की चिंता सता रही है। इसका ठीकरा स्कूल शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के सिर मरने की तैयारी कर ली है। उधर शिक्षक भी लामबंद हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2019-20 की शुरुआत में शिक्षकों के थोक में तबादले कर खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अब खुद ही मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी तक के रिजल्ट खराब होने की आशंका से चिंतित है। वह शिक्षकों पर ही गाज गिराने की तैयारी कर रही है। मंत्री और अफसरों के बयान से तो यही लगता है। उनका कहना है कि परीक्षा फल खराब होने के लिए शिक्षक जिम्मेदार होंगे। तबादलों की वजह से सबसे ज़्यादा हालत खराब ग्रामीण इलाकों की है। यहाँ शिक्षकों की कमी के कारण समय पर सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि उन्होंने जैसे तैसे सिलेबस पूरा कराया है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी 1.5 महीने पहले की गई है। ऐसे में परीक्षा परिणाम खराब होना स्वाभाविक है, लेकिन विभाग ने शिक्षकों के सभी तर्कों को दरकिनार कर दिया है। पिछले दिनों स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में परीक्षा परिणाम के लिए सीधे शिक्षकों पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। इससे शिक्षकों का एक धड़ा नाराज नजर आ रहा है। इसका कारण भी साफ है। शिक्षकों का दबी जुबान में कहना है कि सरकार स्कूलों में काबिल शिक्षकों की नियुक्ति करने में असफल रही है, इसलिए अब ऐसी बातें कही जा रही हैं। जिन स्कूलों में टीचर कम हैं उनमें अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति समय से नहीं की गई, इसलिए भी अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का खराब परिणाम होने के आसार हैं। सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों का तबादला इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि टीचर अपने परिवार के पास पहुंचकर अच्छा परिणाम देंगे। ऐसे में उसने ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह अनदेखा किया। पूरे प्रदेश में 80% शिक्षकों ने शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफ़र चाहा। इन तबादलों में 16,000 पति पत्नी, 17,000 निःशक्त जन और 25,000 गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक शामिल थे। सरकार ने इन शिक्षकों की खाली जगह पर नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की, जबकि वर्ग एक और वर्ग दो के शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। बीते कई दिनों से उनका भोपाल में धरना जारी है। 40,000 शिक्षकों का हुआ तबादला। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 40,000 शिक्षकों के तबादले शहरों में हुए हैं। भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र रायपुर, भौंरी, हर्राखेड़ा, फंदा, शाहपुर, ईटखेड़ी के ज़्यादातर शिक्षकों ने भोपाल शहरी क्षेत्र में अपना तबादला करा लिया। वहीं रायसेन, राजगढ़ जिले के सारंगपुर, गुना, खिलजीपुर, सीहोर जिले के नसरुल्लागंज, नरसिंहपुर, सिंगरौली, विदिशा जिले के सिरोंज, शाहगंज, गोहरगंज, लटेरी पहले ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। यहाँ शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन कम किए। प्रदेश में झाबुआ, डिंडौरी, मंडला, बड़वानी, अलीराजपुर, अनूपपुर ऐसे जिले हैं जहाँ शिक्षकों के तबादले की संख्या शून्य है। इस संबंध में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि हमने शिक्षकों को उनकी मांग के अनुसार सुविधाएं प्रदान कराई हैं, इसलिए हम अच्छे परिणाम की आशा करते हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी तक की परीक्षा परिणाम बेहतर आएगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।